تمہارے لیے کوئی خاص خبر؟ مجھے ایک ایسی چیز ملی ہے جو شاید تمہارے کام کی ہو. اسے دیکھو. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قدرت کی نفرت کا نتیجہ ہے. پاگلپن کا میلہ. جولیس وقت برباد مت کرو. بولیے سر آپ کے لیے کیا لیا؟ کوئی بڑی ایسی چیز لاؤ. ابھی لایا سر. اور ہاں ایک صاف ستھرا گلاس لانا. بالکل سر. تم برمسٹون کے لوگ مجھے پسند ہو. سارے کام تم لوگ صفائی سے کرتے ہو. اس عورت کے بارے میں اور کچھ جانتے ہو؟ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو نشہ خوروں کی من گھڑت کہانی ہو سکتی ہے. پر یہ شخص ایسی ترکیبیں جانتا ہے جو عام لوگوں کی پہنچ سے بالکل باہر ہیں. آ جاؤ دوستو. آئیے آئیے آئیے. یہ ہے ادبھت اماندا. اب آپ اس عجیب و غریب چیز کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے. بھائی اور بہنوں پیش خدمت ہے خوبصورت رائل. ایک شیطان جسے نفرت ہے پانی سے. پانی کو چھوتے ہی تو دیکھیے جناب اب آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں بھیانک نظارہ. دیکھیے دیکھیے وہاں دیکھیے وہاں. चल अंदर चल. तुम्हारा हिस्सा. वहां पहुंचने में कितनी देर लगेगी? रेन, तुम ठीक तो हो ना? यहां से बच निकलने का एक प्लान बना रही हूं. मेरे अंकल जहाज चलाते हैं. वो मुझे एक ऐसी जगह के बारे में बताया करते थे जहां लोग पूरा दिन खेलते हैं, जहां के शानदार पेड़ों पर खूबसूरत सतरंगी फल होते हैं. जब सूरज डूबता है तो मानो आसमान खिल उठता है. वो जगह कितनी शानदार होगी ना रेन. मेरे अंकल छुड़ा लेंगे हमें, मुझे पूरा यकीन है. और तब तक इसे अपने पास रखो. ये तुम्हारी रक्षा करेगा. अब मैं चलती हूं. क्षमा चाहता हूं मालिक, इतनी रात को कैसे हल्ला हुआ? मेरे पास एक बुरी खबर है. जल्दी बताओ. गुलामों के मेले में आज खून खराबे का एक खेल हुआ था. वहां मानव पिशाच थी, एक जवान लड़की. वो लड़की कहां है? हम उसे ढूंढ लेंगे. मेरे चंगुल से बच निकली लड़की अभी जिंदा है. उसे ढूंढो. वो मेरे मंसूबों पर पानी फेर सकती है. अपने बेहतरीन जासूसों को भेज दो डोमेस्टर. जी मालिक.
चुप चुप चुप। गुलामों की एक सेना तैयार कर रहा है और हम चले हैं किसी मेले में। कहीं ये बेवकूफी तो नहीं होगी? क्यों कैटरीन? तो तुम ही बताओ हम इस सेना से कैसे निपटेंगे सेबेस्टियन। ग्रिमस्टोन में अब वो पहले वाला जोश नहीं रहा। मुझे अभी उस मेले को ढूंढने की वजह समझ में नहीं आती। मैं समझाता हूँ तुम्हें। तुमने कभी किसी पिशाच को कैद में देखा है? वो भी किसी सर्कस में? शायद ये वही है। तुम सिर्फ केगन पर ध्यान लगा रहे हो। मैंने यही करने का फैसला किया है। हम पहले ही किससे कहानियों पर वक्त पर बात कर चुके हैं। ये काम उस पिशाच का है जो बेकाबू थी, खून की प्यासी, या फिर कोई मानव पिशाच है। चलो काम पर लग जाते हैं। एक मिनट। जिसने तुम्हें काटा उसे देखा था? रेन, मेरी तलवार ले लो। कुछ नहीं देखा मैंने, मुझे कुछ याद ही नहीं कि क्या हुआ था। एक पिशाच ने तुम्हें काटा और कहती हो तुम्हें कुछ याद नहीं? इसे मारना ही पड़ेगा। नहीं, वो मुझे काटना नहीं चाहती थी। वो पिशाच नहीं है, उसने मेरी पाक तावीज रख ली थी और बाद में ये सब हुआ। वो मेरी दोस्त है। अब हमारा काम बढ़ गया है। हम जब आ रहे थे तो रास्ते में एक छोटा सा गांव था। मैं देखती हूँ, शायद वो वहीं पर छुपी हो, अगर इजाजत हो तो। हाँ, अगर वो वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो उसकी तलाश और लोग भी कर रहे होंगे।
requested me, Viscount. I have a message for my daughter. Dearest Catherine. All right, Catherine. Although we've had our differences in the past, I beseech you now to put away old grudges for the good of humanity. It pains me to admit that our beloved but weakened Burnstone society can no longer defeat Kagan. Yet he must not be allowed to acquire Belliere's artifacts nor legacy. Thus I turn to you, my daughter, to help me protect the souls of this land. You and I are the only ones who know what is hidden in Brimstone Fortress, its value, its importance. I need you to bring this artifact to me. It must be protected from those who wish to use it to undermine me, to scratch that, to undermine freedom and humanity. And together we will stop this madness and bring peace to these lands, your beloved father, etc., etc. What do you think? A very compelling argument, Master. Oh, you're such a sucker. मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ पिशाचों को मारना चाहती हूं। तुम्हारे दोस्त के मरने का अफसोस है। वो मेरा भाई था। मुझे अफसोस है कि उसे वहीं पर छोड़ना पड़ा। तुमने हमें क्यों बचाया? मैं भी नहीं जानती। तुम्हारा परिवार कहाँ है? मेरा कोई परिवार नहीं है। भविष्य में यात्रा की संभावना है, एक खोज शायद तुम्हारे अंदर, मानव पिशाच।
तुम नहीं जानती हो ना। मैं खड़ी रहूंगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हारे यहाँ आने की भी वजह है। तुमने मुझे क्या कहा? लोग मानते हैं कि तुम जैसे लोग कहानियों में होते हैं। तुम जैसों को हमेशा देख पाना मुमकिन नहीं। आधे पिशाच आधे इंसान, ज्यादातर वो पैदा होते ही मर जाते हैं या बच गए तो मार दिए जाते हैं, पर तुम किस्मत वाली हो। मेरी कहानी में कुछ तो सच्चाई है ना? एक आदमी था। एक आदमी? केगन? केगन एक आदमी नहीं, पिशाच है और तुम उसकी रचना हो। उसने मेरी माँ को मार डाला। मानव पिशाच एक इंसान और पिशाच के मिलन से ही पैदा होते हैं। ये सच नहीं। बेचारी तुम्हारी माँ। मैं उसकी जान ले लूंगी। गौर से सुनो मेरी बात। ये सब कहना मेरे लिए आसान नहीं है और इससे मुझे और बाकियों को खतरा हो सकता है। केगन सबसे ताकतवर पिशाच बन गया है और यहां उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं। मैं उससे नहीं डरती। वो मुझे कहां मिलेगा? ये मुमकिन नहीं। बताओ मुझे। एक कड़ी सुरक्षा वाले किले में रहता है वो, जो अंधेरे पर्वत के पीछे है। वहां पहुंचना आसान नहीं, पर एक प्राचीन खजाना है, एक आंख, जो केगन को चाहिए। अगर तुम उसे ढूंढ लो तो रास्ते आसान हो जाएंगे। मुझे ये सब क्यों बता रही हो? क्योंकि यही मेरा मकसद है और भविष्यवाणी भी। कहते हैं कि वो आंख की तावीज सोलंब्रिया मठ में छुपी है, जो दक्षिण में है। संभल कर मेरी बच्ची, वो आंख कोई मामूली तावीज नहीं है। उस तावीज में महान शक्ति है, पर तुम्हें वहां जल्दी पहुंचना होगा। उसे केगन के हाथ लगने से पहले हासिल करो और पूरी दुनिया की रक्षा करो। मुझे दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ केगन में है। फिर भी शुक्रिया। पिशाच को उस आंख की तलाश है। अच्छा है, वो हमें वहां ले जाएगी। मुझे नहीं लगता कि वो इस आंख को अपने पिछड़े हुए पिता को सौंप देगी। मार दो उसे, आंख ढूंढने दो या कोशिश करते हुए मार डालो। एक मानव पिशाच का तुमसे क्या मुकाबला? सही निकला, डोमेस्टर निकल पड़ा है। क्या बात है मेरी बच्ची? मैं अपने परिवार वालों से बिछड़ गई हूँ।
और पिछले 3 दिनों से बिना कुछ खाए बिना सोए भटक रही हूँ। क्या मैं आपके मठ में आज रात रह सकती हूँ? आओ अंदर आ जाओ बेटी, सोलेम्ब्रिया के मठ में तुम्हारा स्वागत है। पेट भर के खा लो, बाद में आराम कर लेना। शुक्रिया। Thank you.
तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम केगन की सैनिक तो नहीं हो ना? नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, पर अब मुझे जाना होगा। मुझे माफ कर दो, तुम नहीं जा सकती। लगता है वो आंख तुम में समा गई है। कई सदियों से हम लोग उसकी रक्षा करते आए हैं। उसकी रक्षा किस लिए? क्योंकि उस आंख में ताकतें हैं, वरना तुम्हारा शरीर पानी में राख ना हो जाता। कुल 3 तालिस्मान मौजूद हैं, एक आंख, एक पसली और एक दिल। ये सभी एक पिशाच के शरीर के अंग थे जिसका नाम था प्लियर। उसने पिशाचों को खत्म करने वाली ताकतों को रोकने का तरीका खोज निकाला था। पानी, सूरज की किरण और कोई क्रॉस। जब आखिरकार वो हार गया तो उसके शरीर के इन अंगों को अलग अलग किया गया और इन्हें अलग अलग जगहों में छुपाया गया, पिशाचों की पहुंच से बहुत दूर। अगर वो अंग एक साथ मिल जाए तो वो अंग किसी पिशाच को दुनिया पर राज करने की ताकत दे सकते हैं। ब्लेयर, मेरी परेशानी नहीं है, ये मेरी अपनी जंग है जो बुराई के खिलाफ है। तुम एक पिशाच हो, फिर भी इस क्रॉस से तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा। मैं एक मानव पिशाच हूँ। यानी केगन की अपनी संतान उसकी दुश्मन है? तुम ये सब कैसे जानते हो? सालों से ये सुनते आ रहे हैं कि केगन को एक ताकतवर बच्चे की तलाश है। सुना है कि वो उसकी अपनी ही संतान है। केगन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके पास गुलामों की सेना है। वो इंसान जो मरने से डरते थे उसके नौकर बन गए। वो लोग वो काम करते हैं जो पिशाच नहीं कर सकते। अब तुम समझ गई ना कि इस आंख के साथ तुम्हें क्यों नहीं जाने दे सकता? गुरुजी, 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 मठ पर हमला हो रहा है।
Hurry, let's go. उसे केगन के पास ले गए हैं। तुम्हें ब्रिमस्टोन लौटना होगा। सबसे कह दो कि मठ पर हमला हुआ है और आंख गायब हो गई। घबराओ मत, आ जाओ। लियोनिड का अड्डा। पर डोमेस्टर उसे यहाँ क्यों लाया? शायद उसके खुराक के लिए या धूप से बचाने के लिए। वो आंख रेन के पास है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उसे हमें ब्रिमस्टोन ले जाना ही होगा। लियोनिड, why do you come here and insult my palace with your stench? I need shelter till nightfall. ये लड़की मेरे लिए एक तोहफा है डोमेस्टर? How delightful. नहीं लियोनिड, ये केगन की है। केगन, ओह केगन, केगन, the mightiest of all vampires. कमाल है डोमेस्टर, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। मेरे खजाने में एक जबरदस्त इजाफा होगा। इसे छूओगे तो अच्छा नहीं होगा। नमक हलाल गुलाम, ठीक है, ले जाओ इसे। I have more than enough to satisfy my needs. पर किसी की भी आंखें इसकी तरह नहीं, ये यही रहेगी। इसको ले जाओ। ठीक ठीक, ये ठीक नहीं कर रहे तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। आ, 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 आ,
तुम्हें कहां पर मिला, इसे मुझे दे दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये आप मुझे दे दो मुझे वरना मैं तुम्हारे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। तो हम फिर मिल गए। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ पर आज तो तुम्हें मरना होगा। तुम बेवकूफ हो। उसे साथ ले चलो। यकीन है ये हमारे काम आएगी। ये पहले ही हमारे बहुत काम आ चुकी है। इसने केगन को आंख हथियाने से रोका है। हाँ व्लादिमीर, पर सुनो, मैं तब से पिशाचों को मार रहा हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे और मैं हमेशा सोचता था और उम्मीद करता था कि मानव पिशाच होते हैं, लेकिन हमें उसकी असलियत का भी पता लगाना है व्लादिमीर। अगर ये सिर्फ एक पिशाच होती तो यहाँ पानी को छूते ही मर जाती और उसके पास वो है जिसे कोई भी पिशाच अपने पास नहीं रख सकता। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम अब भी जिंदा हो तो सिर्फ हमारी वजह से। और तुम मेरी वजह से। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हें तो मारकर बाहर लटका देना चाहिए। आंख कहाँ है? वो आंख उस लड़की का हिस्सा बन गई है, उसमें समा गई है। उसे मेरे पास जिंदा ले आओ। अभी जाओ, आगे के आदेश भेज दूंगा। उसका कोई नाम है? मानव पिशाच का शायद उसका नाम रेन है। रेन, ये कौन सी जगह है? ये ब्रिमस्टोन समाज का मुख्यालय है। उम्मीद है तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। उस मठ में एक दूत मारा गया है। मालिक, वो तावीज पहुंच गया है। मालिक, अच्छी बात है। ये मानव पिशाच हमारे लिए जरूरी नहीं है। तुम्हें तो केगन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ब्रिमस्टोन रोम का एक शहर हुआ करता था जिसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। केगन के पास पसली है। छोड़ दो मुझे। कैसे मान लें कि तुम हम पर हमला नहीं करोगी? मैंने कहा था ना, मैं इंसानों का खून नहीं पीती। अगर यहाँ पर जिंदा जानवर हो तो चाहे चूहे हो तो मैं जल्दी अपनी ताकत वापस पा लूंगी और चली जाऊंगी। मुझे यकीन नहीं है। मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो, केगन को बर्बाद करना। मैं सच कह रही हूँ, उसने मेरी माँ का बलात्कार किया और मार डाला मेरी आंखों के सामने। और फिर एक दिन वो राजकुमार और प्यारी सी लड़की दोनों
एक साथ रहने लगे। कभार दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। शायद तुम जानती हो केगन से अकेले लड़ना नामुमकिन है। तुम चाहो तो हमारे साथ यहीं रहकर कोशिश करो। शुक्रिया। मेरी तलवार दोगे? वक्त आने पर इसको जो चाहिए दे दो। Lies ahead. Will you be opening up the gates to the thralls? That's ridiculous. I am loyal to you, Vladimir. Yet you are breaking the very laws and teachings you swore by. Your newfound faith scares me. What will happen to Brimstone in the event of battle? I don't have all the answers. We're growing weaker. संयम के बिना शारीरिक ताकत का कोई फायदा नहीं। एक बार फिर पहले से शुरू करो।
मेरी एक दोस्त की है। मैं किसी को जानता हूं जो हमारी मदद कर सकता है। Our seamstress has prepared some clothing. I hope they're to your liking. Are you all right? Ever since I got here, there are these noises that persist in my head. I'm sure there's some reason for that. I don't know. If you're feeling up to it, you're more than welcome to join us for dinner. I don't think the food you have there will be of interest to me. You act as though you're the only one who feels pain. What do you know of pain? My father's Kagan. My mother was killed before my own eyes. My mother and father were both killed by Vladimir. They had turned, and I was to be slaughtered. Had he not arrived, I would not be here today. सेबेस्टियन, तुम्हारा खाना। क्या हम लोग बच्चों के टेबल पर बैठे हैं? ज्यादा अनाज नहीं बचा है व्लादिमीर, शहर जाकर हमें और अनाज लाना होगा। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। जितना बचा है उसी से काम चलाना होगा। पेट तो भरना पड़ेगा। शायद तुम्हारी ये रक्षक हमारे लिए खाना ला सके। वेलकम, हमारे साथ नहीं बैठोगी? लगता है मशहूर बन गई हो रेन। यकीनन तुमने इस समाज में एक नई उम्मीद जगाई है। हैरान हो ना? मुझे लगा था ये मुझसे डरेंगे। ये सिर्फ अनजानी चीजों से डरते हैं। तुम्हारे दांत देख सकता हूँ?
डारियस। तो ये नए कपड़े तुम्हें पसंद है? हाँ शुक्रिया। पिताजी, जब से आपका खत मुझे मिला है, मैंने उसमें कुछ सच्चाइयां देखी हैं जो मुझे सताई जा रही हैं। मैं मानती हूं कि आपने सच लिखा है, ब्रिमस्टोन हार चुका है। इस संदेश को ठीक से पहुंचा देना। जी, ये बहुत ही जरूरी है। फिक्र मत कीजिए। की अस्थियां मालिक, अब सिर्फ एक ब्रिमस्टोन बचा है। गुलामों को यहां बुलाओ। कसम पूरा करने का वक्त आ गया मेरे वफादार गुलामों। धरती छान मारो, ब्रिमस्टोन को ढूंढो और नष्ट कर दो। मानव पिशाच को यहां ले आओ। आड़े आने वाले हर इंसान को मार डालो। जो कामयाब होगा उसे अमरत्व का इनाम मिलेगा, नाकाम को मिलेगी सिर्फ मौत। सीख गई हो? चलो तुम्हें कुछ तो अच्छा लगा। सेबास्टियन, व्लादिमीर तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारे कमरे में है। चलता हूं, फिर से मुकाबला होगा। लड़ना आता है? थोड़ा बहुत। तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई? तुम्हारा वो जोश कहाँ है? ये मेरा प्लान था कि पहले तुम्हें थका दूं। तुम्हारे तो प्लान में भी जोश नहीं है। इन्होंने तुम्हें अच्छी तालीम दी है। खास नहीं, मैंने ये एक जंग में एक योद्धा से सीखा था जो ब्रिमस्टोन की तरफ से लड़ाई कर रहे थे और फिर कहीं चले गए। मेरे पिता, अब वो योद्धा कहाँ है? अब वो हमारे दुश्मन है, एक पिशाच। मेरी वफादारी व्लादिमीर और ब्रिमस्टोन के साथ है, जिसकी मेरे पिता कभी रक्षा करते थे। और तुम्हारी वफादारी में क्या क्या शामिल है? बहुत सवाल पूछती हो। मैं मेरे पिता की इच्छा को पूरी करना चाहती हूँ, यानी पिशाचों को खत्म करना। लगता है बातों बातों में मेरा ध्यान कहीं और बढ़ गया था। तुम्हें ध्यान देना चाहिए। अपने दोस्तों के पास रहो और दुश्मनों के उससे भी पास, ये व्लादिमीर ने सिखाया है। ये मुकाबला बाद में पूरा करेंगे। गुड इवनिंग वायकाउंट, केगन सेंस हिज रिगार्ड्स। I assume you were expecting this message from Brimstone, from Catherine. Just stop throwing things at me. You know, Eldrick, Kagan has little patience for ambitious vampires, especially those that were once Brimstone. Can a vampire not receive word from his own daughter without being cast as a rebel in search of power? Or is that the plan? Plans are for humans. I think destiny is a more appropriate term. Where is Brimstone? Tell me now or suffer the consequences. Even you must sense that change is upon us. This land has become unsettled, Domestir. The future must be held in the hands of human-born and vampire-perfected. That is an invitation, by the way. Spare Catherine, unseat Kagan, and join me in a, shall we say, more colorful reign. Kagan's gratitude. Okay, Kagan's wrath. Now where's Brimstone? You honestly expect me to betray my daughter? You know, it's funny. You never struck me as the paternal type. Give me the map. Give us our destiny. अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुम्हें सेबास्टियन के साथ जाना चाहिए। ओह, कैटरीन।
तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, है ना? तुम रेन के साथ मत जाओ, वो तुम्हारे लिए खतरा है। केगन भी उसके पीछे पड़ा है। कैटरीन, तुम ब्रिमस्टोन समाज का एक जरूरी हिस्सा हो। तुम हमारे किले की रक्षा करती हो तो हमारी मेहनत और जिंदा रहने की कोशिश मजबूत होती है। हमें तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं है। मैं यहाँ तारीफ सुनने नहीं आई हूँ व्लादिमीर, मैं तुम्हें सुरक्षित देखना चाहती हूँ। तुम एक लीडर हो, रेन मामूली योद्धा है। मैं सेबेस्टियन को साथ ले जाता हूँ, अगर यही चाहती हो तो ठीक है। यांकू कई वर्षों से एक दोस्त रहा है और समाज का रक्षक भी है। क्रिसमस से वो हमें मिला। यांकू से मिलने आए हैं। मारने काटने का इरादा है क्या? हम नीचे मिलेंगे। संभल कर चलना। क्या जगह है। डोमास्टर, हमें जल्दी कुछ करना होगा। क्या है ये? काला पाउडर है, चीन का है। हमें ये चाहिए। सब कुछ तैयार है? जो कुछ भी चाहिए ले जाओ। पवित्र पानी, स्टोन की तरफ से। शुक्रिया। ब्रिमस्टोन पे हमला हुआ है, सभी मारने गए। ये नामुमकिन है। डोमेस्टर आया था गुलामों के साथ। कोई भी नहीं बचा है? लौट कर मत जाओ, वो कई सारे हैं। वो तुम्हें ढूंढने आए थे। उन्हें पता कैसे चला? हमें इसका इलाज करना पड़ेगा। कुछ गड़बड़ है, उन्हें पता कैसे चला? केगन को यह चाहिए ताकि ब्रिमस्टोन में जो बचे हैं उन्हें अपने साथ मिलाकर हमें पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। डोमेस्टर को इसके लिए अपनी जान देनी होगी। अगर उन्हें जंग चाहिए तो जंग उन्हें मिलेगी। वो कैटरीन थी। फैसला तुम्हारा है, क्या तो आजाद हो जाओ या फिर अपने बच्चों को ब्रिमस्टोन पर मरने के लिए अनाथ छोड़ दो। कभी नहीं। वो उनकी तरफ है। ये नहीं रहा।
मुझे जाने दो सेबेस्टियन। नहीं, जाने दो। कहाँ जा रही हो तुम? मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो भी मेरे पास आता है वो मरता है। वो मुझे ढूंढने आए थे और आँख को, लेकिन बेकसूर लोग मारे गए। यहाँ रहूंगी तो तुम दोनों भी मारे जाओगे। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? मैं दिल ढूंढने जा रही हूँ। दो तावीज होंगे तो मैं केगन के खिलाफ मुकाबला कर पाऊंगी। मगर तुम उस दिल को ढूंढोगी कैसे? मैं उसे सुन सकती हूँ। चलती हूँ सेबेस्टियन। एक मिनट रुको, रुको, ये लो, ये लो, इसे पहन लो प्लीज। और ये लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तलाश की मगर वो मानव पिशाच कहीं नहीं है। मुर्दा लोगों में भी नजर नहीं आई। हमें केगन के पास जाना चाहिए। नाव तैयार करो, अभी लीजिए। भविष्यवाणी में सच्चाई जरूर होगी। अगर वो दिल को हासिल भी कर ले तो भी वो अकेली केगन का सामना नहीं कर पाएगी। यहाँ नहीं है। तुम्हें यकीन है कि वो यहीं पर है? मेरी बात पर शक कर रहे हो? मेरे दादाजी ने उसे यहाँ रखा था। मैं सिर्फ कहानियों पर यकीन नहीं करती। तुमने बाकी लोगों को मरने क्यों छोड़ा? या तो वो मरते या फिर हम सभी। जिंदा रहने के लिए हम जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। ब्रिमस्टोन भी अलग नहीं है। मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगी और ना ही व्लादिमीर की गुलामी करते हुए मौत को गले लगाऊंगी। मैं केगन को हमारी आजादी छीने नहीं दूंगी। वो दिल जाएगा मेरे पिता के पास। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे लौटने तक दरवाजे की निगरानी करते रहना, समझे? हाँ कैटरीन। Thank you.
जरूर आएगी। मैं केगन से मिलने आई हूं। वो क्या कर रही है? मैं अपने पिता के लिए वो दिल ले आई हूं। वो मुझे दो जल्दी। तुम्हें जो चाहिए दे दिया, अब केगन के पास ले चलो। सही वक्त आने दो, इसे ले जाओ। खैर सेबेस्टियन, अब अंदर जाने का एक ही रास्ता है। चल अंदर। मालिक, उस मानव पिशाच को अक्ल आ गई है और उसने दिल हमें सौंप दिया। बहुत अच्छे, उसे यहां लेकर आऊं? नहीं अभी नहीं। एक ऐतिहासिक रात, नई सदी की शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ। जाओ सभी। सबके सब बाहर चलो, चलो। यहां और भी होंगे, अभी इन्हें जेल में रखो और किले को छान मारो। चूहों को भरपेट खाना मिलेगा, मजे से रहना। और तुम मेरी जान, रस्म होने तक तुम यहीं रहोगी। किस रस्म की बात कर रहे हो? कि आंख मानो पिशाच, इसे बाहर निकालने की रस्म। रेन, तुम ठीक तो हो? हाँ, तुम दोनों को जिंदा देखकर बहुत अच्छा लगा। सिर्फ हम ही जिंदा बचे हैं, कैटरीन का क्या? क्या वो जिंदा है? अगर नहीं है तो इज्जत से मर गई होगी, अपने लोगों के लिए। ये रस्म कौन सी है? ये पिशाचों की एक विधि है जिसे तालिस्मान की रक्षा के लिए करते हैं, ताकि वो गलत लोगों के हाथ न लग सके। पर मेरे साथ क्यों? ऐसा माना जाता है कि ये रस्म आत्मा निकालने के लिए की जाती है। मुझे नहीं पता अब मेरे साथ क्या होने वाला है। उम्मीद है तुम जानते हो कि मैं कोई पागल नहीं हूं, जो सोचूंगी कि मैं उससे जीत जाऊंगी। पर मैं एक पल के लिए भी इस लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगी। दरवाजा खोलो और उसके हाथ बांधो। रस्म का वक्त आ गया है, ले चलो।
हमें यहां से किसी तरह निकलना पड़ेगा। सही कह रहे हो। रस्सी जल गई पर अभी तक बल नहीं गया। अगर मैं हार चुकी हूँ और तुम इतने ताकतवर हो तो तुम मुझे इतने सारे गुलामों के बीच क्यों कुचलना चाहते तुम हो? अब भी खतरा हो। तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि ब्रिमस्टोन मिट गया और तुमने इतनी जल्दी मुझे दिल सौंप दिया। मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी आसानी से मिल जाएगा। वैसे ये नामुमकिन है, पर अगर तुम बच गई तो मेरे किले में रह जाना। तुम्हारी गुलामी करने से बेहतर है काल कोठरी में सड़ जाना। तो ठीक है, रस्म शुरू करो। है सुनो, मेरे साथी की तबीयत खराब हो गई है, पता नहीं अचानक क्या हो गया। पीछे हटो। पुराना तरीका काम कर गया। रस्म जारी रखो। तुम्हारे पास है, लाओ मुझे दो। तुम्हें मुझे काट के निकालना पड़ेगा। वही करूंगा। तुम में
ताकत है पर अक्ल नहीं। दिल दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुम्हारे गुलाम बनने से अच्छा है कि मैं लड़ते हुए मर जाऊं। तुम किस्मत नहीं बदल सकती, ताबीज जुड़ जाने पर पिशाचों का ही राज होगा। तुम कभी कामयाब नहीं होगे। सदियों से हम श्रापित साए डर डर के जी रहे हैं। तुम्हें आजादी नहीं चाहिए रेन। तुमने मेरी माँ से बलात्कार करके मुझे अपना दुश्मन बना लिया। मैं उनका बदला लेकर रहूंगी। इंसान बनना है तो इंसान की तरह मरो। केगन मर गया, पर तुम्हारा क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरा काम हो गया, केगन खत्म।